गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको गुणसूत्रों के अनियमितताओं के बारे में बताया गया, जो कायिक गुणसूत्रों के कारण भी होती है और लिंग गुणसूत्रों के कारण भी होती है। लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत टर्नर सिंड्रोम और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम आते हैं, जबकि कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटोजेट सिंड्रोम आदि, इस तरह के सिंड्रोम पाए जाते हैं। और हमने कल ये भी बताया था कि सिंड्रोम का कारण क्या है। तो सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण होता है कि युग्मक जनन के समय जो गुणसूत्र में वियोजन और संयोजन होता है, और उस संयोजन और वियोजन के कारण ही गुणसूत्रों की संख्या या तो घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। घटने पर भी आपको सिंड्रोम समझ आएंगे, और अगर बढ़ जाएंगे तब भी सिंड्रोम समझ आएंगे। तो इस तरीके से कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर कम हो गए तो ये हो गए 45 या 44, अगर बढ़ गए आठ। तो इस तरीके से चांसेस बढ़ने के ज्यादा होते हैं, घटने के कम होते हैं, लेकिन फिर भी होता है। तो जब ये घटेगा तब इसे कहा जाएगा इस तरह से 2n-1, और इसे कहा जाएगा 2n+1 or 2। देख लीजिए, ये 46 को व्यक्त कर रहा है, ये 1 इसको व्यक्त कर रहा है, इसी तरह से ये 46 को व्यक्त कर रहा है और ये इसको व्यक्त। इस तरह से कमी होने पर या अधिकता होने पर ये सिंड्रोम या अनियमितता या विकृतियां आपको जो है अनियमितता आपको दिखाई पड़ेगी। तो आज आपको हम कायिक गुणसूत्रों के द्वारा होने वाली जो अनियमितता होती है उसको बताएंगे। कायिक गुणसूत्रों में असमानता के कारण उत्पन्न होने वाले विकार या सिंड्रोम, अभी कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, क्राइटोजेट सिंड्रोम, ये 4 प्रकार के सिंड्रोम होते हैं। अब आपको, अब देखिए, आपके पास ये मालूम होना चाहिए आपको कि कुल 23 जोड़े होते हैं। इन कुल 23 जोड़ों में 22 जोड़े कायिक और 23वां जोड़ा लिंग। जो भी अनियमितता होगी इन 22 जोड़ों में कहा,
अब इसे डाउन सिंड्रोम है, देखिए डाउन सिंड्रोम 21वें जो है एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जो है पटाव सिंड्रोम 13वें जोड़े और क्राइम चाहे 5वें जोड़े। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा सिंड्रोम किस जोड़े को प्रभावित करता है। तो 21वां जोड़ा डाउन सिंड्रोम 18वें जोड़े में, एडवर्ड सिंड्रोम 13वें जोड़े में, पटाव सिंड्रोम और 5वें जोड़े में ट्राइपोचेट सिंड्रोम। तो इस तरीके से ये काय गुण सूत्रों में डेवलप होने वाले सिंड्रोम्स हैं जिनके लक्षण लगभग लगभग सभी समान रूप से होते हैं, लेकिन आज आपको हम सबसे पहले डाउन सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। देखिए लैंगडेन डाउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सन 1966 में इस सिंड्रोम की खोज की और जिसके अंतर्गत बताया कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 या 47। देखिए कैसे 47 हुआ, 46+1=47। तो एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण मोनोसोमी के कारण, तो इस तरह से ये 47 गुणसूत्र हो गए। तो इसके प्रारूप में जो लक्षण दिखाई पड़ेंगे वो क्या दिखाई पड़ेंगे, देखिए डाउन सिंड्रोम सबसे पहली बात तो 21वीं जोड़े में और गुणसूत्रों की संख्या ऐसी हो जाती है 47। और ये जो डिसीज होती है ट्राइसोमी के कारण, जब कम होगा तो उसे मोनोसोमी कहा जाएगा। तो इस तरीके से इसे मंगोलियन बेवकूफी भी कहा जाता है। मंगोलियन बेवकूफी का मतलब यह है कि इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और इसमें होगा क्या, सिर गोल लक्षण है, ऐसे लोगों का सिर जो है वो गोल होगा और जीभ मोटी अल्प बुद्धि आंखें तिरछी तथा कद छोटा, और इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये आपको जो है 700 में 1 700 बच्चों में एक रोगी जो होगा वो डाउन सिंड्रोम का होगा। और ये 10 से 12 वर्ष तक जीवित रहते हैं, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शरीर में इतनी विकृतियां होती हैं, इतनी समस्याएं होती हैं जिसके कारण ये सरवाइव नहीं कर पाते, जी नहीं पाते, इसलिए ये 10 से 15 वर्ष के बीच में ये खत्म हो जाते हैं। और ये सिंड्रोम
700 में एक लोग इस तरह के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला संदर्भ है एडवर्ड सिंगो। यह 18वीं जोड़ी में होता है और 2n+1 अर्थात 47 ट्राइसोमी के कारण और 8000 में एक रोगी जो है इस रोग का वाला होता है। 8000 जो बच्चे होंगे, 8000 बच्चों में से एक बच्चा जो होगा वो इस रोग का वाहक होगा। और इसके भी लक्षण लगभग वैसे ही हैं। इसमें मतलब ये रोगी जो इस एडवर्स सिंड्रोम के जो रोगी होते हैं आधुनिक से जब अग विकसित होंगे तो ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और केवल एक माह से लेकर के 6 माह के मध्य ये जीवित रहते हैं, इसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से दो सिंड्रोम उन्होंने बताया आपको, एक डाउन सिंड्रोम, ठीक, इक्कीसवें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण, एडवर्ड सिंड्रोम 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ये 8000 में एक होते हैं और एक माह से 6 माह के नदी खत्म हो जाते हैं, अंग विकसित होते हैं, सभी अंग तंत्रों का विकास नहीं होता है, अंग तंत्र अविकसित, और इस तरह से ये 1 से 6 माह के मध्य खत्म हो जाएंगे। और कल आपको बताएंगे पटाओ सिंड्रोम और क्राइडू चैट सिंड्रोम। ओके।